फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज की वीडियो लिक्विडिटी रेशो पर है। लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये हमने पहले वाली वीडियो में देख लिया है। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में दे दिया है, वहां से जाके आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशो के क्वेश्चन, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। उससे पहले हम ये देखते हैं कि लिक्विड रेशो क्या होती है और क्विक रेशो ऐसी टेस्ट रेशो। लिक्विड रेशो को क्विक रेशो भी बोलते हैं, ऐसे टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, ऐसे टेस्ट रेशो, ये क्या होती है? लिक्विडिटी रेशो होती है विच मेजर द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। कि एक एंटरप्राइज के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को कैसे पूरा करना है, कैसे मीट करना है, ये हम लिक्विडिटी रेशो से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि दैट इज करंट लायबिलिटी, इट स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द लिक्विड एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटी। यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया, लिक्विड एसेट या फिर क्विक एसेट डिवाइडेड बाय में करंट लायबिलिटी। इसका जो आइडियल रेशियो होता है, प्योर रेशियो होता है, वो 1:1 होता है। ठीक है, यानी कि जितनी लिक्विड एसेट होगी उतनी ही आपकी करंट लायबिलिटी होगी। ठीक है, यही हमारे पास में इसके अंदर आया था। नेक्स्ट हमने देखा था कि लिक्विडिटी रेशियो लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। लिक्विड एसेट क्या होती है, लिक्विड एसेट्स आर द एसेट दैट आर either in the form of the cash and cash equivalent or can be converted into the cash and cash equivalent in a very short time। मतलब बहुत कम टाइम के अंदर आप या तो उसे कैश में कन्वर्ट कर दो या तो फिर वो कैश में ही हो। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट्स कहते हैं। दे आर शोन अंडर द हेड ऑफ द करंट एसेट्स के अंदर, ये बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में करंट एसेट के अंदर दिखाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड होता है करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ट्रेड रिसीवेबल जिसको हम बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स भी कहते हैं, इसमें से लेस कर देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, इसमें शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं, अदर करंट एसेट एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे पास में क्या बोला गया है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अदर करंट एसेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स ओनली। ठीक है, यानी कि जो अदर करंट एसेट है उसके अंदर सिर्फ यही टर्म्स इंक्लूड होंगे। क्या क्या, थ्री आपको याद रखना है, नंबर वन प्रीपेड एक्सपेंस, नंबर टू अक्रूड इनकम, नंबर थ्री एडवांस टैक्स ओनली। ठीक है, ये आ गया। अब आती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो कि पेबल होती है 12 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल। जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड है या फिर बैलेंस शीट की जो डेट है उसके 12 महीने के अंदर अंदर जो लायबिलिटी हम पे कर देते हैं उसको हम कहते हैं कि करंट लायबिलिटी। दे आर शोन अंडर द हेड ऑफ द करंट लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट के अंदर, ये करंट लायबिलिटी के हेड में शो की जाती है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया, ट्रेड पेबल, पेबल मतलब कि आपकी बिल्स पेबल हो गए, सन्ड्री क्रेडिटर हो गए, अदर करंट लायबिलिटीज जैसे कि करंट मैच्योरिटीज ऑफ द अदर लॉन्ग टर्म ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट अक्रूड बट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल इन एडवांस एक्सेट्रा, ये सारी आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, ये भी आपकी क्या है, करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको लिक्विड रेशो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लिक्विड रेशो हमें कैलकुलेट करनी है। आपको क्वेश्चन के अंदर फिगर दे रखी है वर्किंग कैपिटल की, 1,80,000। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितने का, 1,80,000 का। वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी होता है, यहां पर आपके पास में फिगर दे रखी है 1,80,000 की। अब ना तो आपको करंट एसेट पता ना आपको करंट लायबिलिटी पता। अभी हम ये आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। टोटल डेट्स आपके पास में दैट इज आउटसाइड लायबिलिटीज 3,90,000 का दिया है। लॉन्ग टर्म डेट्स आपके पास में है कितने के, 3,00,000 के। इन्वेंटरीज आपके पास में दे रखी है 90,000 की। अब यानी कि करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, जो टोटल डेट्स है आपके, इसके अंदर आपके पास में लॉन्ग टर्म प्लस में शॉर्ट टर्म दोनों इंक्लूड है, तो हम इस टोटल डेट्स में से माइनस कर देंगे क्या, लॉन्ग टर्म डेट, तो आपके पास में ये क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी आ जाएगा। करंट लायबिलिटी यही होती है ना कि विच इज द पेबल
विदिन द 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट और द पीरियड ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल्स, यही हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर हमारे पास में टोटल डेट्स की फिगर है 3,90,000 की, माइनस में आपके पास में लॉन्ग टर्म डेट्स की फिगर दे रखी है कितने की, 3 लाख की, ठीक है। तो हमारे पास में करंट लायबिलिटी की जो फिगर आ गई 90,000 आ गई। अब ये जो 90,000 है ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर मेरे पास में करंट एसेट कैलकुलेट हो जाएगी। करंट एसेट 90,000 इधर जाएगा तो टोटल हमारे पास में करंट एसेट आ गई 2,70,000 की। अब हमें निकालनी है लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय में करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी हमें पता नहीं लग गई है 90,000 की फिगर है, लिक्विड एसेट हमें नहीं पता है। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला है यहाँ पर करंट एसेट माइनस में ये जो क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज दे रखी है इसे हम माइनस कर देंगे। करंट एसेट की फिगर थी 2,70,000 की, माइनस कर देंगे इसमें से इन्वेंट्रीज की फिगर है यहाँ पर 90,000 की। तो आपके पास में यहाँ पे जो आंसर आया कितने का आ गया, 1,80,000, यानी कि लिक्विड एसेट हो गई आपके पास में 1,80,000। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपके पास में 2:1, ठीक है, समझ आ गया। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था कैसे हमें करना है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक और सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास में करंट रेशियो दिया हुआ है कितना, 4.5:1। यहाँ पर आप लिखो करंट रेशियो इज इक्वल टू 4.5:1, ठीक है। लिक्विड रेशियो आपको दिया हुआ है कितना, 3:1। इन्वेंट्रीज की फिगर आपको दे रखी है 3 लाख की। आपको निकालना है करंट लायबिलिटी, करंट एसेट इक्यू कैसे। तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है पहले आप वो लिखो करंट एसेट डिवाइडेड बाय में करंट लायबिलिटी, इसकी जगह पे 4.5/1 इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय में करंट लायबिलिटी लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट एसेट इज इक्वल टू 4.5 करंट लायबिलिटी हो जाएगा। यहां पर आपके पास में लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय में, या फिर आप उसको क्विक एसेट भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय में करंट लायबिलिटी, यही फॉर्मूला होता है। अब यहां पर दे रखा है 3/1 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस में क्या, इन्वेंट्री, यही फॉर्मूला होता है। अब आता है नीचे हमारे पास में करंट लायबिलिटी, यानी कि आप इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 करंट लायबिलिटी, मतलब मल्टीप्लाई ये हो जाएगा करंट एसेट माइनस में इन्वेंट्रीज की फिगर आपके पास में दी हुई है क्वेश्चन में 3 लाख की, ठीक है, ये आ गया आपके पास में। अब करंट एसेट की फिगर हमारे पास में 3 लाख को आप यहां ले आओ, यहां पे करंट एसेट हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई करंट लायबिलिटी, माइनस में आपके पास में आ गया यहाँ पर कितना, 3 लाख। अब इस करंट एसेट की जगह पे आप यहाँ पे सिर्फ पुट कर सकते हो 4.5, यहाँ पर रख सकते हो आप इसको 4.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3CL, माइनस में आपके पास में आ गया ये कितना, 3 लाख। अब करंट लायबिलिटी आप यहाँ से आप करोगे तो 1.5 इज इक्वल टू आपके पास में ये आ जाएगा कितना, 3 लाख का। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर आपके पास में 3 लाख डिवाइडेड बाय में 1.5 इक्वल टू आपके पास में ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के ऊपर 2 लाख की फिगर आ गई, ठीक है, ये 2 लाख की आपकी फिगर आ गई। अब जो आपके पास में करंट लायबिलिटी आ गई 2 लाख, अब आप यहाँ पे करंट एसेट इज इक्वल टू 4.5 इनटू में यहाँ पर कितना लिख दोगे, 2 लाख की। अब यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा, 9 लाख। करंट एसेट की फिगर आपके पास में कितने की आ गई, 9 लाख की। करंट एसेट निकल गई, करंट लायबिलिटी निकल गई, अब आपको क्या निकालना है, क्विक एसेट। क्विक एसेट का तो फॉर्मूला सिंपल है, जो आपके पास में यहाँ पर क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट जो है माइनस इसमें से क्या कर देते हैं, इन्वेंट्री, यानी कि करंट एसेट आपके पास में निकल के आया 9 लाख का, इसमें से आप माइनस कितना कर दोगे, इन्वेंट्रीज की फिगर कितनी है, 3 लाख। तो आप 3 लाख इसमें से माइनस कर दोगे, आपके पास में जो आंसर आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, 6 लाख का, ठीक है, समझ आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ नहीं था, बस थोड़ा मल्टीप्लीकेशन वगैरह है, प्लस माइनस उसे करके ये निकल जाएगा। आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगी। कल वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ये पूरी सीरीज जो रेशो वाली है पूरी फॉलो करना, कोई भी डाउट हो कमेंट्स करके मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।